आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वाज द इंपैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 ऑन यूरोपियन सोसाइटी। यूरोपियन सोसाइटी में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद क्या क्या इम्पैक्ट हुए, क्या क्या चीजें देखने को मिली, क्या क्या चीजें बदली, वो हमें बताने हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, पहले तो हमें ये देखना है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था वो कब से कब तक हुआ था। तो 1914 से लेकर के 1918 तक, 1914 से लेकर के 1918 तक क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। ठीक है, तो 1918 में जब खत्म हो गया तब क्या हुआ, यूरोप, आपको जैसे कि पता होगा कि कई सारे यूरोपियन स्टेट्स, कंट्रीज क्या हुए थे, इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर शामिल थे। क्योंकि यूरोपियन की, काफी सारे यूरोपियन स्टेट्स और कंट्रीज की हार हो गई थी, तो उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर काफी दबाव आने लगा था, काफी नीचे गिर गई थी। इकोनॉमिकली काफी डिक्रीज हो गए थे पैसे के ऊपर, है ना। और अच्छा, एक और चीज क्या कि पहले टाइम पे क्या होता था, यूरोप में क्या होता था, मोनार्ची सिस्टम हुआ करता था। क्या हुआ करता था, मोनार्ची मतलब राजाओं का शासन। इसका शासन, राजाओं का शासन। तो मोनार्ची सिस्टम जो था ना 1918 के बाद, धीरे धीरे ये भी घटने लगा, क्योंकि लोगों को, सीधी बात है, अब ये संभाल नहीं पाए थे, तो लोगों का इनसे विश्वास उठने लगा था। हमें जर्मनी में, हमें ऑस्ट्रिया में, ठीक है, कई सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पर हमें मोनार्ची सिस्टम हटते हुए दिखाई दिया था। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।